फलक के सतम सितम शियार ऐसा बोलते। अरे ऐसा फलक, फलक से मतलब ऐसा आसमान जो घूम रहा है, अरे इसकी आदत ही जुल्म करने की है। फलक है सितम शियार, हमारे शोरा बैठे हुए हैं, इसलाह करें इस अकीदे की। फलक है, अरे भाई 21 लाख हो करेगा, शरीयत भी 21 लाख करेगी ना, अब वो तो नहीं करेगी जो शेर उचारी नहीं आती चारों, इसलाह करें। फलक है सितम शियार, वो फलक जो घूम रहा है, जमाना का किस में है, इसकी आदत इसका शियार ये जुल्म करना। बताइए जमाने को गाली दी कि नहीं शायर ने, फलक है सितम मौत का जालिम पंजा जी, मौत का जालिम पंजा जमाने को गाली दे रहा हुआ। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को उसके ऊपर मुकर्रर कर रखा है। फलक है सितम शियार, शायर सलाह करे, गलत तसव्वुर है ये, मौत का जालिम पंजा गलत तरकीब है। और आगे पढ़ करके ये कहना कि इत्तेफाक से ऐसा हुआ, आप ये समझ ले इत्तेफाक कोई चीज नहीं है, कोइंसिडेंस कोई माना नहीं रखती शरीयत के अंदर। अब कोई ये कहीं इत्तेफाक से ऐसा हो गया, गलत जुमला है, इस्लाह करे आदमी अपनी जबान की, हुस्ने इत्तेफाक से ऐसा हुआ, गलत जुमला है ये, सूए इत्तेफाक से ऐसा हुआ, हराम है ऐसा जुमला कहना। क्यों भाई? इसलिए कि जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की हकीमाना मंसूबा बंदी उसके पीछे है। इत्तेफाक किस चिड़िया का नाम है? किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंस जी? इत्तेफाक क्या चीज है? इत्तेफाक का मतलब कोइंसिडेंस, इसका मतलब इत्तेफाक से हो रहा है। अरे जो कुछ हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला की हकीमाना पॉलिसी, अल्लाह तबारक व तआला की हकीमाना मंसूबा बंदी उसके पास है। ये कायनात बगैर मुतब्बिर की नहीं है, बगैर मुतसरिफ की नहीं है। तो जब मानते हैं कि मुतब्बिरुल अम्र वो तमाम अम्र की तदबीर करता है, तो कोई चीज इत्तेफाक से कैसे हो सकती है? और सूए इत्तेफाक चे माना दर, हुस्ने इत्तेफाक चे माना दर, इत्तेफाक से ऐसा हुआ चे माना दर, नसार और शुआरा अकीदे की सलाह करें। अगर इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये जुमले बेचारे शरीयत के तनाजुर में देखें तो ये एक इंतहाई खलीस किस्म की बकवास है। इत्तेफाक अजीब बात है, ये तो मुतजरा का अकीदा है। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला को कुलियत के मुतजज्जी आते हैं, बहुत सारे लोग मुतजरा मुतजर चिल्लाते रहते हैं, मुतजरा के अकीदे मालूम है इनको, खूब पढ़ा रहे लोगों को मुतजरा मुतजर, कभी पढ़ा है मुतजरा को? हाँ, ये वहीं से के मुतजरा कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला को कुलियत के इल्म है, जब कोई चीज होती है तब से इल्म होता है, जुजियत के मालूम ये वहीं से आया हो। तो सूए इत्तेफाक ऐसा हुआ गलत, हुस्ने इत्तेफाक से ऐसा हुआ कहना गलत, इत्तेफाक से ऐसा हुआ गलत, कोइंसिडेंस है गलत, इसलिए कि दुनिया की कोई भी हरकत, कोई भी मूवमेंट, कोई भी चीज जो होती है वो मुतब्बिर कायनात की हकीमाना मंसूबा बंदी के पेश नजर होती है। लिहाजा इत्तेफाक कोई चीज नहीं, सूए इत्तेफाक कोई चीज नहीं, हुस्ने इत्तेफाक कोई चीज नहीं, कोइंसिडेंस ये सब अकीदे से मुनहरिफ और कचरों लोगों की जबान है, कचरों लोगों की जबान। और ऐसे ही मेरी किस्मत खराब है, हराम है कहना, शिर्क है, शौमिया किस्मत गालिब इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े शोरा इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं बहुत बड़ा तीर मारा है, तेरा अकीदा खराब हो गया, सत्यानाश हो गया तेरे अकीदे का, शौमिया किस्मत। अरे किस्मत की ना हुसत हिरमा रसीदी, अरे मेरी किस्मत खराब और मेरा वक्त बुरा चल रहा है, जमाने को गाली दे रहा, कारोबार कैसा चल रहा शेख साहब, अरे वक्त बुरा चल रहा है, मुसलमान की जबान लाज छूते नहीं कहोगे तो क्या हो, अल्लाह को गाली दे रहे हो मुसलमान होकर के, है अकीदे का इल्म नहीं है, एक एक पैसे का इल्म जानते हो और अकीदे का इल्म नहीं है, और अकीदे के नाम पर जाने क्या क्या आपको बताया जा रहा है, खराब निकली अकीदा है और उसको रोज बोलते रहे तो अकीदे के नाम पर तुमने क्या सीखा, क्या सीखा आपका अकीदे के नाम पर, यह अकीदा है तो अकीदा कहते हैं। شومیہ قسمت دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما
وما شاء فعل فإن لو تقطعه أمل الشيطان رواه مسلم في كتاب التقدير حضرت إمام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب القدر کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک اللہ طاقتور مومن کو زیادہ محبوب رکھتا ہے زیادہ پسند کرتا ہے حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہو پھر کل خیر اور دیکھو جو چیز نفع بخش ہو اس کی حفظ کرو تشریح کا موقع نہیں اگر کوئی مصیبت تیرے اوپر آ جائے تو تو یہ نہ بول کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا بیٹا بیمار ہو گیا اسپتال میں لے کے مر گیا ارے میری قسمت خراب تھی اس کو اپنا ہاسپٹل کے اندر لے جاتا تو زندہ بچ سکتا تھا حرام ہے کہنا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں صاحب کا شیون اگر کوئی مصیبت تیرے اوپر فلا تقول لو نفاق کا رکھا ہوتا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا اس لیے کہ آئیے بول قدر اللہ ارے میری قسمت ایسا ہی لکھا تھا وما شاء فعل ارے مقدر نے تقدیر والے نے جو کچھ لکھا تھا جو کچھ چاہا اس نے اس کی مشیت سے ہوا ما شاء فعل اس لیے کہ فإن لو یہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ شیطانی عمل ہے کتنے لوگ ہیں جو اس شیطانی عمل کے اندر ملوث ہیں جی اس شیطانی عمل میں ملوث ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا یہ مشرکانہ عقائد ہیں